हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपकी क्लास रीजनिंग में एसएससी जीडी की आपकी 90 क्लास में एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना, और आज की आपकी क्लास रीजनिंग की, और रीजनिंग में आपका टॉपिक रहने होगा सिलॉजम का। कौन सा होगा? सिलॉजम का आपका होगा। और इसमें हमने देखिए, सिलॉजम होता है आपका न्याय निगमन। न्याय निगमन के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने इसमें कंक्लूजन वाले भी हमने क्वेश्चनों को क्या करा है, इंक्लूड किया है। क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, जो आपके कंक्लूजन स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन आपके होते हैं उनको भी इसमें आपको इंक्लूड किया है। क्योंकि आपकी सिलॉजम की जगह पे क्या पूछा जाता है, सिलेबस में तो दिया जाता है कि सिलॉजम आएगा, लेकिन आपसे पूछा जाता है क्या, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए हमने इन दोनों पार्टों को क्या कर दिया है, एक कर दिया है। क्या कर दिया, एक ही पार्ट में आपको इन दोनों को कवर कराएंगे हम। और जैसा कि अब देखिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो होता है आपका, वो आधार, अगर हम आधार माने उसको, तो वो आधार होता है वेन डायग्राम पे, आधार होता है वेन डायग्राम। इससे पहले हमने आपको क्या कराया, वेन डायग्राम कराया था। वेन डायग्राम कराया था क्योंकि वेन डायग्राम से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। करने को तरीके और भी हैं, इसको सॉल्व करने के लिए और भी तरीके हैं, कंक्लूजन निकालने के लिए और भी हमारे पास में तरीके होते हैं, लेकिन जो सही अगर हम तरीका माने तो वो होता है हमारा वेन डायग्राम के थ्रू। क्या होता है, वेन डायग्राम के थ्रू होता है, क्योंकि जब हम जो भी हमें स्टेटमेंट दिया जाएगा, जो भी हमें कथन दिया जाएगा, और जब उसका जो निष्कर्ष होता है, अगर जो आपका कथन दिया गया है उसको हम एक वेन डायग्राम के रूप में बना लें, जो आपका कथन दिया गया है उसको सबसे पहले हम क्या करें, एक वेन डायग्राम के रूप में ड्रॉ कर लें, और तब देखेंगे कि इसमें से क्या क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, क्या क्या निष्कर्ष हमारा निकलता है। ठीक है, तो उसी में सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो सिलॉजम है, कथन और निष्कर्ष जो हमारे होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, किस तरीके से हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बनता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन किस तरीके से हमारा वो बनता है, तो उसको सबसे पहले हम देखेंगे कैसे। इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ है स्टेटमेंट। क्या है आपकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होता कैसे है, स्टेटमेंट आपका होगा कैसे, वो है आपका। तो कैसे होगा, कथन एक प्रकार का तर्क वाक्य है। क्या है आपका, इस चीज को समझना कि क्या है जो आपका कथन जो दिया गया होगा आपका, वो किस के तरीके का होगा किस प्रकार का होगा, तर्क वाक्य होगा। कोई ना कोई उसमें क्या होगा, तर्क होगा, जो पदों के बीच संबंध क्या करेगा, जो भी जो दो पद होंगे हमारे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, जितने भी हमारे पद होंगे उनके बीच में क्या करेगा, संबंध को दर्शाएगा, संबंध को दर्शाएगा। ठीक है, उसके बाद संबंध को व्यक्त करता है। कथन के चार भाग होते हैं, जो कथन के चार भाग होते हैं। अब चार भाग होते कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा परिमाणक। क्या होता है, परिमाणक होता है हमारा, परिमाणक सबसे पहला होता है क्वांटिफायर। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर हमारा वो है ऐसा पद जो परिणाम को व्यक्त करता है, जो परिणाम को व्यक्त करता है परिमाणक कहलाता है। कुछ शब्द जैसे सभी, कुछ और कोई नहीं, कोई नहीं परिमाण शब्द कहलाते हैं, परिमाणक शब्द कहलाते हैं। सभी में जैसे अगर मैं बात करूं यहां से कि सभी, यहां पर क्या है, सभी आम फल हैं, सभी आम फल हैं। तो यहाँ पे ये जो सभी जो वर्ड आ रहा है ना, ये सभी जो है वो क्या आपका क्या कर रहा है, आपका परिमाणक, परिमाणक को क्या कर रहा है, व्यक्त करता है। किसको कर रहा है, परिमाणक को, परिणाम को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। क्यों, क्योंकि आम और फल ये क्या हो गए हमारे दो पद, आम और फल क्या है, दो हमारे पद है। अब इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, वो संबंध को दर्शा रहा है, बीच में दोनों को संबंध दर्शा रहा है। कैसे, कि सभी आम क्या है, फल है, सभी आम फल है।
अगर सभी की जगह क्या होता, कुछ होता, कुछ होता तो भी क्या करता है, कुछ आम फल हैं, कुछ आम फल हैं, तब भी तो हमारा क्या कर रहा है, परिमाणक कर रहा है, क्वांटिफायर कर रहा है ना, क्योंकि बीच में संबंध को दर्शा रहा है, बीच संबंध को दर्शा रहा है कि कुछ आम फल हैं, और उसके बाद में कोई भी, कोई नहीं का मतलब कोई भी आम क्या फल नहीं है, फल नहीं है, तो वो भी आपका दर्शा रहा है। दूसरा आता है आपका उद्देश्य। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, क्या होगा आपका सब्जेक्ट्स, जिसके विषय में कोई बात कही गई हो उसे क्या कहेंगे हम, उद्देश्य कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्देश्य। उद्देश्य मतलब ये तो हमारा हो गया क्या, परिमाणक, क्या हो गया आपका, परिमाणक हो गया। और आम जो है, आम क्या है, हमारा उद्देश्य है, आम क्या है, उद्देश्य आपका, सब्जेक्ट है आपका क्या, आम, क्योंकि आम के बारे में कहा गया, आम के बारे में ही तो कहा गया है कि सभी आम फल है, और फल जो होगा, फल है, फल और है, ये भी दो आपके क्या हैं, दोनों अलग अलग होंगे, क्या होंगे वो देखिए आगे कि क्या है, वो है आपका, एक है आपका विधेय, प्रेडिकेट, क्या है, विधेय, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, क्या होता है, विधेय, किसी के विषय में कही गई बात, वह जो कि उसकी विशेषता को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं, विधेय पद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विधेय पद कहते हैं। अगला है आपका चौथा, क्या, योजक, कॉपुला, क्या, कॉपुला, क्या है, यह कथन विभाग या पद होता है जो उद्देश्य वे विधेय के मध्य स्थापित होता है, जैसे आम, योजक, यहां पे हमने लिखा था सभी आम फल हैं, फल हैं, तो ये जो आपका सभी है ये क्या हुआ, आपका परिमाणक हुआ, ठीक है, जो हमने पीछे लिखा ये परिमाणक हुआ, ये हमारा क्या हुआ, उद्देश्य हुआ, ये क्या हुआ हमारा, उद्देश्य हुआ, इसको हमने लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम लिख दें सब्जेक्ट। और फल जो है हमारा वो क्या है, विधेय, क्या है, प्रीडिकेट, क्या है, प्रीडिकेट, प्रीडिकेट। और ये जो है वर्ड है, है वर्ड जो है वो क्या है हमारा, योजक, क्या है, योजक, कॉपुला, क्या है, कॉपुला, योजक, ठीक है। अगर ये वर्ड नहीं होता तो इन दोनों के बीच में क्या नहीं करता, मध्य संबंध नहीं दर्शाता, इन दोनों के बीच में मध्य संबंध नहीं दर्शाता, यहाँ क्या होता, केवल सभी आम फल, सभी आम फल, तो इससे क्या है हमारा सब्जेक्ट, हम हमारा इससे क्या होता है, सेंटेंस जो है वो क्या नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए इसमें क्या लगाया जाता है, क्या लगा, है लगा, और जो किसका काम कर रहा है, योजक का काम करता है, जो योजक का काम करता है। अगर हम इसकी बात करें एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, क्या, सभी लड़के होशियार हैं, तो सभी क्या है हमारा, परिमाणक है, क्या है, परिमाणक है, लड़के परिमाणक हो गया इसमें क्या, सभी, ठीक है, और लड़के क्या हो गया हमारा, होशियार, एक मिनट, लड़के क्या हो गया हमारा, यहां से लड़के हो गया यहां से हमारा उद्देश्य, चलिए उल्टा लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, उद्देश्य, और होशियार हमारा यहां पर क्या है, होशियार यहां हमारा विधेय, होशियार क्या हमारा यहां पर, विधेय, और है वर्ड जो है आपका वो क्या है, योजक, क्या है, योजक, कॉपुला, ठीक है। तो इस चीज से आप समझ गए होंगे कि इसको क्या होता है, चार प्रकार होता है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और आगे भी हमारा आगे इनका क्या है, इनका रूप दिया है, आगे क्या दिया है, रूप दिया हुआ है, अब वो कैसे कैसे दिया हुआ है, अब देखिए क्या, तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण, वर्गों का क्या करना है, वर्ग
वर्गों का क्या करना है, वर्गीकरण करना है, उनका वाक्यों का क्या करना है, वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण कैसे करना है, गुण एवं परिमाण के आधार पर क्या करना है, वर्गीकरण जो करना है उनको जो तोड़ना है, अलग अलग जो डिवाइडेशन उनमें करना है वो किसके आधार पर करना है, उनके गुण व परिमाण, वे परिमाण के आधार पर निम्न प्रकार के, क्या निम्न प्रकार के, पहला जो होता है आपका वो होता है आपका सर्वव्यापी। क्या होता है आपका, सर्वव्यापी होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, एफर्मेटिव भी आप बोल सकते हैं, धनात्मक भी आपका यहां से बोल सकते हैं, ठीक है। पहला वाला होगा क्या आपका, एफर्मेटिव। दूसरा जो होगा इसी में, दूसरा जो इसमें होगा, अच्छा पहला, चलिए एफर्मेटिव जो है आपका सर्वव्यापी में, सर्वव्यापी जो कथन है वो आपका कौन सा, सर्वव्यापी सकारात्मक कथन। अब वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सभी गाय जानवर है, क्या है, सभी गाय जानवर है, तो ये तो क्या हुआ हमारा, सर्वव्यापी सकारात्मक। ये होगा क्या, ऐसा वाक्य जिससे सकारात्मक अर्थ निकलता है उसे सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और यहीं पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, एक आपका नकारात्मक आएगा, क्या आएगा आपका, एक नकारात्मक आएगा, वो अगले स्लाइड पे देखेंगे, अगले उस पे देखेंगे कि कैसे होगा, नकारात्मक होगा। अब इसमें जो सकारात्मक है, सकारात्मक में आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है, सभी गाय क्या है, जानवर है, क्या है, सभी गाय जानवर है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सकारात्मक, कौन सा, सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य हुआ। अगला होगा आपका इसमें नकारात्मक वाला, कौन सा होगा, सर्वव्यापी नकारात्मक कथन। वो क्या होगा, ऐसा वाक्य जिससे नकारात्मक अर्थ निकलता है उसे सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं, किससे करेंगे, इसे डिनोट करेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या है कि कोई गाय जानवर नहीं है, कोई गाय जानवर नहीं है, गाय यहाँ लिखा हमने और यहाँ पर क्या लिख दिया, जानवर लिख दिया। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, उस संबंध को नहीं दर्शा रहा है, तो ये दोनों क्या हुआ, अलग अलग, क्या है, अलग अलग, ठीक है। चलिए अगला इसका पार्ट एक और है आपका, वो क्या है, अंशव्यापी। अब क्या आपका, अंशव्यापी, पहला था आपका सर्वव्यापी, पहला था आपका कौन सा, सर्वव्यापी, और अब है आपका क्या, अंशव्यापी। सर्वव्यापी में क्या होगा, सभी के लिए कहेगा, सर्वव्यापी में सभी के लिए कहेगा, लेकिन अंशव्यापी में क्या कहेगा, कुछ के लिए कहेगा, किसकी बात करेगा, कुछ की बात करेगा, ये लिखा हुआ है, जिसमें उद्देश्य के कुछ अंश के विषय में कहा जाए, अंशव्यापी वाक्य कहलाता है। ये भी आपका दो प्रकार का होता है, पहला आपका कौन सा होगा, सकारात्मक, क्या होगा, सकारात्मक, जैसे कुछ गाय जानवर हैं, जैसे कुछ गाय जानवर हैं, कुछ गाय जानवर हैं, तो जानवर के लिए बोलेगा। अब इसका अगर हम कहें कि कुछ गाय जानवर हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि कुछ, क्या कह रहा है, कुछ वाला पार्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगला आपका अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक आपका पहला हो गया। अगला है आपका सर्वव्यापी नकारात्मक, क्या है, अंशव्यापी नकारात्मक, इसमें क्या कहेगा, इसमें कुछ नहीं के लिए बोलेगा, इसमें कुछ नहीं के लिए बोलेगा, ऐसा अंशव्यापी वाक्य है जिससे नकारात्मक अर्थ निकलता हो, कैसे निकलेगा आपका, नकारात्मक अर्थ निकलेगा वो क्या कहलाएगा आपका, अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। इसे किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करेंगे, इससे किसको करेंगे, ओ से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि कुछ व्यक्ति धनी नहीं है, कुछ व्यक्ति धनी नहीं है, नहीं है, तो नहीं है, नहीं जो आपका वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है, नकारात्मक, कि कुछ व्यक्ति धनी नहीं है, ये क्या, व्यक्ति, और ये क्या, धनी,
तो कुछ व्यक्ति धनी नहीं है, तो यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, बताइए इतना सबको समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ और क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से दिए गए हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनको देखते हैं। चलिए अब चलिए पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर वन है आपका क्या कि कुछ ड्राइवर रेसर हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ कि कुछ ड्राइवर, यहाँ पर हमने क्या लिया, ये ड्राइवर, ठीक है, कुछ ड्राइवर क्या है, रेसर हैं, ठीक है, हो गया। दूसरा कथन कहता है कि कुछ रेसर पायलट हैं, कुछ रेसर क्या है, पायलट, ठीक है, पायलट हो गए। अब ये तो हुआ हमारा कथन, कह रहा है कि हमारे कथन के अनुसार ये हमने एक वेन डायग्राम बना दिया, कथन के अनुसार हमने वेन डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है हमारा कि कुछ पायलट ड्राइवर हैं, बताइए कुछ पायलट ड्राइवर हैं, बताइए। अब देखिए इसका जो आपको डायग्राम जो आपको बनाना है वो आपको इस तरीके से बनेगा कि एक तो आपका डायग्राम ये बनेगा इसका, ठीक है, कुछ पायलट ड्राइवर हैं, कुछ पायलट ड्राइवर हैं। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से आता है तो आपको इसमें क्या है, दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ये वाला एक डायग्राम आपका बनेगा, ये वाला इसमें क्या बनेगा, एक डायग्राम आपका ये बनेगा और एक ये बनेगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो उसमें निष्कर्ष जो कहता है कि कुछ पायलट ड्राइवर हैं, अगर ये यहाँ ना होके ये यहाँ भी तो हो सकता था, जैसे हमने ये वाला बनाया है तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला बीच वाला, ये वाला जो पार्ट है वो कुछ के लिए बोला है और ये क्या कर रहा है, दोनों को मैच कर रहा है, ये दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, दोनों को पकड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला जो निष्कर्ष है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है, कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है। तो अगर हम इस वाले डायग्राम से देखेंगे तो यहाँ पर इनमें दोनों में कोई भी संबंध नहीं दर्शा रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा कौन सा होगा, कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष वन या निष्कर्ष टू, या तो निष्कर्ष वन या निष्कर्ष टू, इसमें से क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा और किस तरीके से होगा, आइए देखते हैं कि सभी फूल जो है वो क्या है, पेड़ हैं, सभी जो फूल हैं आपके क्या हैं, सभी फूल क्या है, पेड़ हैं, सभी फूल क्या है, पेड़ हैं, और सभी पेड़ आपके क्या हैं, फल हैं, सभी पेड़ आपके क्या हैं, फल हैं। कथन ने ये कहा, निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ फल फूल हैं, फूल आपका अंदर है और फल बाहर आपका, कुछ फल आपका क्या है, फूल है, और अगर अंदर वाला बाहर वाले के लिए कुछ के लिए बोलता है, ये बात ध्यान रखें आप कि जो आपका यहाँ दिया हुआ है कि क्या फूल और फल में जो आपका दिया हुआ है कि कुछ के लिए बोला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कुछ वाला पार्ट। अंदर वाला अगर बाहर वाले के लिए बोलता है कि कुछ पार्ट है तो वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या होता है, राइट होता है यहाँ से। और सभी फूल फल हैं, तो ये भी हमारा क्या होता है, निष्कर्ष
ये भी निष्कर्ष हमारा क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। तो कौन सा निष्कर्ष होगा हमारा, निष्कर्ष हमारा ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला कथन और निष्कर्ष क्या कहता है हमारा, अगला कथन कहता है हमारा कि सभी सफेद क्या हैं, गुलाबी हैं। सभी सफेद जो हैं, सभी सफेद, ये क्या हमने सफेद, सभी सफेद क्या हैं, गुलाबी। ठीक है, और सभी हरे क्या हैं, गुलाबी। सभी हरे क्या हैं, गुलाबी। अब आपको इसको बनाना कैसे होगा, अब इनको बनाना कैसे होगा। अब मान के चलिए मैं यहां से क्या करूं, इसको एक बार दोबारा देखिए कि सभी सफेद क्या है, गुलाबी। सभी सफेद क्या है, गुलाबी हैं। ठीक है, और सभी हरे क्या है, गुलाबी। तो ये वाला पार्ट आपका यहां बनेगा, क्या बनेगा, ये क्या आपका सफेद, और ये आपका क्या हरा, और ये क्या हो जाएगा आपका गुलाबी। बताइए, यही होगा ना, क्या हो जाएगा, यही होगा, क्या होगा, गुलाबी। तो अब हमें देखना है कि निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ गुलाबी हरे हैं, कुछ गुलाबी हरे हैं, तो पहला निष्कर्ष हमारा ठीक हुआ। कुछ गुलाबी सफेद हैं, कुछ गुलाबी सफेद हैं, अंदर वाला बाहर वाले के लिए बोल रहा है, जो आपका ये बोल रहा है वही आपका ये बोल रहा है, तो दोनों निष्कर्ष हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे तो दोनों जो निष्कर्ष हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों निष्कर्ष हमारे निकल रहे हैं, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष यहाँ से अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कुछ बल्ब LED हैं, क्या कह रहा है, कुछ बल्ब LED हैं। अगर हम यहां बनाएं तो कुछ LED, कुछ बल्ब क्या है, LED बल्ब, LED है, और कुछ LED ट्यूबलाइट है, कुछ LED क्या है, ट्यूबलाइट है। ठीक है, एक तो ये बना आपका डायग्राम, पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम आपका ये वाला बनेगा, जो आपका फर्स्ट वाले में बना था, जो आपका फर्स्ट वाले में बना था, तो दोनों में सेम आपका रहेगा, दोनों में सेम आपका रहेगा। तो कौन सा वाला इसमें राइट आंसर होगा आपका, कौन सा होगा, कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस वाले में आपका कौन सा करेगा, या तो निष्कर्ष वन या निष्कर्ष टू, या तो निष्कर्ष वन या सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए एक बार हम पहले वाले को देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या लगाया था। ठीक है, पहला वाला या तो निष्कर्ष वन या अनुसरण सेकंड वाला करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सभी तूफान चक्रवात हैं, सभी तूफान, ये क्या हमारे सभी तूफान क्या हैं, चक्रवात हैं, और सभी चक्रवात क्या हैं, बवंडर। सभी चक्रवात क्या हैं, बवंडर हैं। इसको इस तरीके से लिखे देते हैं ताकि हमें समझ में रहे, ताकि हमें समझ में रहे। तो इसको पहले को लिखा क्या, तूफान। ठीक है, सेकंड वाले को लिखा क्या है, चक्रवात, चक्रवात। और ये बाहर वाला क्या कहता है, क्या है, बवंडर, क्या है, बवंडर, बवंडर। तो अब आपका निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ बवंडर तूफान है, कुछ बवंडर तूफान है। तो क्या कह रहा है, कुछ बवंडर तूफान है, क्या कहता है, कुछ बवंडर तूफान है।
तो सही बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे ये कहता है कि सभी बवंडर तूफान है तो आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता है। लेकिन अब क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष आपका क्या होगा, यहाँ से राइट होगा। उसके बाद में कुछ चक्रवात तूफान है, कुछ चक्रवात, सेकेंड वाला, कुछ चक्रवात तूफान है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या करेगा, राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ पेंसिल छड़ है, कुछ पेंसिल छड़ है, यहाँ पर बनाइए, कुछ पेंसिल क्या है, छड़ है, ये पेंसिल और ये क्या आपकी छड़ है, ये क्या आपकी छड़, और सभी छड़ क्या है, पेड़ है, सभी छड़ जो हैं वो क्या है, पेड़ है, ये क्या हमारा पेड़ है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, फर्स्ट निष्कर्ष आपका क्या कहता है कि सभी छड़ पेंसिल हैं, सभी छड़ पेंसिल हैं, तो ये तो गलत हो गया। पहला निष्कर्ष तो हमारा यहाँ से क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी पेंसिल पेड़ हैं, सभी पेंसिल पेड़ हैं, सभी नहीं हैं, कुछ वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, तो ये भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, कौन सा हो जाएगा, नेतो निष्कर्ष यहाँ पे फर्स्ट हो रहेगा, नेतो निष्कर्ष फर्स्ट ही सेकंड पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है, इसी तरीके से आपको बनाना है, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं आपको करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 7वां, कुछ रत्न है, कुछ रत्न मोती हैं, मोती हैं। ठीक है, और कुछ मोती क्या है, मालस्क हैं। कुछ सभी का कुछ पार्ट हमने क्या करा, इनको ले लिया, कुछ पार्ट हमने ले लिया। उसके बाद में निष्कर्ष हमारा क्या कहता है कि कुछ पत्थर मोती यहाँ आपका, तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष हमारा गलत हुआ, कुछ रत्न मालस्क हैं, इन दोनों के बीच में क्या आया हुआ है, मोती आया हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में कुछ मालस्क मोती हैं, तो ये क्या है, मालस्क और मोती कुछ वाला पार्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ मालस्क रत्न हैं, तो इन दोनों के बीच में मोती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ से कौन सा निष्कर्ष निकलता है हमारा, निष्कर्ष निकलेगा हमारा केवल थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कैसे होगा, किस तरीके से होगा। क्या कह रहा है कि सभी बकरे तोते हैं। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि सभी तोते कौवे हैं। हमारा स्टेटमेंट ये हुआ, हमारा कथन ये चीज कह रहा है। अब क्या कह रहा है निष्कर्ष में कि सभी कौवे बकरे हैं। अगर ये कुछ के लिए बोलता तो सही होता, अब क्या है हमारा ये गलत। ठीक है, क्योंकि बाहर वाले के लिए बोल रहा है, सभी बकरे कौए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से केवल कौन सा निकलेगा हमारा, सेकंड वाला, कौन सा निकलेगा, कथन केवल कौन सा, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ऑप्शन नंबर बी।
कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही कथन, सही निष्कर्ष निकलेगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं बनाइए। तो हमने बनाया कि कुछ स्कूल, साथ के साथ लिखते रहे, सात स्कूल, कुछ स्कूल क्या है? प्रयोगशाला। और सभी प्रयोगशाला क्या है? नाट्यशाला। सभी प्रयोगशाला क्या है? नाट्यशाला। ठीक है, नाट्यशाला सभी। तो हमारा कंक्लूजन क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ नाट्यशाला स्कूल हैं, तो ये वाला पार्ट इसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ से क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, कोई भी स्कूल यहाँ से नाट्यशाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो है कुछ पार्ट है, यहाँ पर क्या है? कुछ पार्ट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? निष्कर्ष वन। कौन सा हो जाएगा? निष्कर्ष वन यहाँ से निकलता है। केवल और केवल निष्कर्ष वन निकलेगा। क्वेश्चन 9 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्या है? सभी कुत्ते गधे हैं। सभी कुत्ते क्या है? गधे हैं। अगर हम इसको डायग्राम बनाएं कि सभी कुत्ते क्या हैं? गधे हैं। सभी कुत्ते क्या हैं? गधे हैं। और सभी गधे क्या हैं? बैल हैं। सभी गधे क्या हैं? बैल हैं। स्टेटमेंट ने ये कह दिया। कंक्लूजन क्या कहता है? तब निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? कुछ कुत्ते गधे हैं। तो ये क्या हुआ हमारे यहाँ से? क्या हुआ? जब सभी कुत्ते गधे हैं तो कुछ भी होंगे। तो ये हुआ, क्या हुआ हमारा? राइट आंसर हुआ। चलिए अगला, कुछ गधे बैल हैं। कुछ बोला है तो ये भी हमारा क्या हुआ? राइट हुआ। जब सभी हैं तो कुछ तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब सभी हैं तो कुछ वाला पार्ट तो हमारा ऑलरेडी हो जाएगा। सभी कुत्ते और गधे बैल हैं। सभी कुत्ते और गधे क्या हैं? बैल हैं। सभी कुत्ते और गधे क्या हैं? बैल हैं। ये भी क्या कह रहा है? सही कह रहा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट आंसर हमारा यहाँ से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ से क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर इसी की तरह, अगला क्वेश्चन आपका सेम इसी की तरह बनेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा डायग्राम। सभी कलम क्या हैं पुस्तक हैं और कुछ कलम पेंसिल हैं। ये क्या? पुस्तक। कुछ कलम क्या हैं पेंसिल। ठीक है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ये आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ से हमारा क्या होगा? सही होगा। तो अब वो आपको बताना होगा कि कौन सा कथन इसमें से सही निकलेगा। ठीक है, चलिए कुछ पुस्तक पेंसिल हैं। तो ये वाला क्या है आपका? अंदर दे रखा है, तो कुछ पुस्तक पेंसिल हैं ये हमारा ठीक हुआ। सभी पेंसिल पुस्तक हैं ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल अंदर है और पुस्तक का बाहर है। सभी पुस्तक पेंसिल हैं, सभी पेंसिल पुस्तक हैं। बताइए क्या होगा यहां से? सभी पेंसिल पुस्तक हैं। सभी पेंसिल पुस्तक हैं और सभी पुस्तक पेंसिल हैं, तो ये हमारा गलत होगा। सभी कलम
पेंसिलें, ये भी हमारा गलत होगा, ठीक है। सभी पेंसिल पुस्तक हैं, ये वाला सेकंड वाला हमारा यहाँ से राइट बनेगा, ठीक है। हमारा यहाँ से ये राइट बनेगा, ये वाला। तो कौन कौन सा हमारा पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा हमारा क्या निकलता है, सही निकलता है। यहाँ से क्या निकलेगा, सही हमारा निकलेगा पहला और दूसरा स्टेटमेंट। यहाँ से कंक्लूजन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसका क्या होगा, आगे इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कह रहा है, कथन क्या है, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। तो यहाँ निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, अनेक भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है, राइट आंसर है ना। अनेक भारतीय मानते हैं, अनेक भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, अनेक भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। यहां पर क्या दे दिया आपका, नहीं दे दिया, क्या दे दिया, नहीं दे दिया। लेकिन आपका कथन में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका नेगेटिव आए, जो नेगेटिव आए। तो जब ये हमारा क्या है कथन, ये हमारा क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है हमारा, नेगेटिव दिया है, यहां पर क्या दिया है, नेगेटिव दिया है। तो यहां पर जब कथन में हमारा क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है नगद, इसमें क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, कथन में पॉजिटिव दिया है और निष्कर्ष में क्या दिया है आपका, नेगेटिव दिया है। तो हमारा यहाँ से पॉजिटिव ही हमारा क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ का, इसका निष्कर्ष केवल वन क्या निकलेगा, निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है, क्या लिखेंगे, अनुसरण करता है, ठीक है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही यहां से क्या करेगा, अनुसरण करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कथन है हमारा, नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, सभी मनुष्य नेता नहीं होते, सही है ना कि सभी मनुष्य नेता तो नहीं होते, कुछ होते हैं। चलिए, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेता कौन है मनुष्य, और मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कथन क्या है हमारा, शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है, मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू के मर्म को प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हुआ निष्कर्ष, क्या कहता है हमारा, शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है, क्या, शिक्षा, सही बात है ना, जब शिक्षा आएगी तभी तो मस्तिष्क का अंधकार जो होगा वो दूर होगा। सेकंड कंक्लूजन आपका क्या कहता है कि शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका निष्कर्ष क्या होगा, दोनों निष्कर्ष
अनुसरण करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप? दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं, और अगला हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? कथन क्या है हमारा? सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं, केवल एक उसी में आपको लाइन में दे दिया। अब निष्कर्ष क्या कहता है? पहला निष्कर्ष आपका, यदि ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए। यदि ए सुंदर है तो वो अभिनेत्री होनी चाहिए। यदि ए अभिनेत्री है तो वह सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। ए भद्दी है तो ए अभिनेत्री होनी चाहिए, गलत। अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं, ठीक है। अब हमारा बसता है पहला और दूसरा निष्कर्ष हमारा बसता है, तो उसमें से हमें ये देखना होगा कि कौन सा है। अब यहां देखो कि यहां पर कहा है कि यदि ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए, जरूरी तो नहीं कि वो क्या हो। अगर वो सुंदर है तो अभिनेत्री होगी, तो जरूरी नहीं है। यदि ए अभिनेत्री है तो वह सुंदर होनी चाहिए। सभी अभिनेत्रियां क्या हैं? सुंदर हैं। तो क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव आएगा। तो हमारा यहां से कौन सा निकलता है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब निष्कर्ष सेकंड। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है। चलिए ठीक है, मान लिया हमने। प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंध समस्या है। चलिए ये भी हमने मान लिया। अब निष्कर्ष क्या कहता है हमारा? निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं। ये तो गलत है ना। सभी तो नहीं हो सकते। भारत प्रदूषित है। बताइए, भारत प्रदूषित है क्या? नहीं है ना। प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, जरूरी तो नहीं कि जहां पर जिस राष्ट्र में प्रदूषण है वो औद्योगिक ही हो। किसी और कारण से भी क्या हो सकता है? प्रदूषण हो सकता है। भारत प्रदूषित हो सकता है क्योंकि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र है। यहां पर बात करी गई है किसके लिए? भारत के लिए बात करी गई है कि औद्योगिकरण राष्ट्र बन रहा है तो प्रदूषित भी हो सकता है। तो यहां से ऑप्शन कौन सा निकलेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब निष्कर्ष सेकंड। कौन सा निकलेगा? निष्कर्ष फोर्थ आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के लिए आपका इतना ही। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका क्या आएगा? इन्हीं क्वेश्चनों पे से, इसी टाइप पे से, इसी प्रकार में से आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो लगे रहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 10 जनवरी से आपका एग्जाम होना है, 14 फरवरी तक आपकी एग्जाम डेट है। तो लगे रहिए तैयारी में, अच्छे से तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में आगे की क्लासों के लिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अगले टॉपिक के साथ में आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।